को समर्थन जी हिंद शकील ज्यादा चक्कर लगा रहो, अच्छा वही घूम रहे हो इधर ज्यादा हमारे फील्ड में। शकील खान बीजेपी पार्टी के, यानी कि आप हाँ, बीजेपी पार्टी। चलिए आप बताइए चाचा क्या नाम है भाई? शकील खान चल रहा यहाँ तो। अच्छा बीजेपी में से कोई चेहरे की अगर बात करें तो? कोई भी चेहरा जाए बीजेपी, कोई भी चेहरा। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी डीग जिले के कामा विधानसभा के गाँव हैवतका में है। हैवतका में लगभग 700 के करीब वोटे हैं और ये वोटे किसके नाम पर, किस पार्टी के आधार पर और किन मुद्दों को लेकर ये पार्टी के साथ साथ किस नेता के साथ जुड़ना चाहेंगे, सारी बातें की जाएंगी। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि जनता मेरे साथ जुड़ी है, हैवतका के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। चाहे नौजवानों की बात करें चाहे बुजुर्गों की बात करें, इन्हीं से जानेंगे कि अब की बार आप लोग क्यों किसी को समर्थन करना चाहते हैं और आखिर आपको कोई नेता पसंद है तो क्यों है, वो सारी बातें इन्हीं से करेंगे। बाबा तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। ये आप मुझे छोड़ दीजिए, आप ये बताइए तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। किस पार्टी किस नेता को समर्थन कर रहे हैं? पार्टी को समर्थन जी हिंद शकील ज्यादा चक्कर लगा रहे हो, अच्छा वही घूम रहे हो इधर ज्यादा हमारे फील्ड में। शकील खान हाँ बीजेपी पार्टी के, यानी कि आप हाँ बीजेपी पार्टी। कितनी वोटें गांव में है? 700 वोट है। कितना वोट शकील खान को मिल सकता है और बाकी जो वोट है वो किसके नाम पे जाएगा? 60-65% वोट मिलेंगे आराम से। अच्छा बाकी वोटे किसको जाएंगे? किस अब बाकी वोट तो ऐसे कोई कहीं जाए सकाई को लगे को मौका। अच्छा चलिए आप बताइए चाचा क्या नाम है? भाई शकील खान चल रहा यहाँ तो। अच्छा यही को देंगे 60% वोट तो उसकी है ही है और शकील खान को ही। अच्छा हमारा तो पूरा सहमत है। आप बताइए जी किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? बीजेपी के नेता को। बीजेपी पार्टी को आप पसंद करते हैं? बीजेपी में से कोई चेहरे की अगर बात करें तो? कोई भी चेहरा जाए बीजेपी, कोई भी चेहरा। आखिर बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं और कांग्रेस को क्यों नहीं करते? ना हम कांग्रेस को वोट देते ही नहीं, वोट देते ही नहीं। क्या नाम है जी? कामा क्षेत्र पहले ज्यादा 20 साल पिछड़ कर दियो। अच्छा और आप कोर्ट जिला फिर 20 साल पिछड़ कर दिए कामा क्षेत्र, देखो आपने कसर उड़े। बिल्कुल आपके गाँव की गलियाँ हैं वो आपकी शिकायत है ठीक है, लेकिन ये भी है कि इलाके में चाहे शिक्षा की बात करें चाहे लाइट बिजली की बात करें तहसीलों की बात करें ये चीजें तो दी गई हैं। तो हमारे तो लाइट भी बीजेपी ने लगाई। अच्छा। मानो आप 10 रुपए मंत्री रहा था जब 96 में लाइट लगी हमारे। अच्छा। बाकी आप हमारे रोड देखो रास्ता देखो यहाँ किसान की सुविधा नहीं है। अच्छा आप मतलब बीजेपी पार्टी के साथ जाएंगे क्योंकि 5 साल में आपके इलाके का विकास नहीं हुआ इस कारण से? बिल्कुल। चलिए और भी लोग मेरे साथ हैं उनसे बात करेंगे। एक नौजवान साथी है भैया क्या नाम है? असलीम भाई किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? भाई जो हमारे मतलब बूढ़े बड़े हैं जो बुजुर्ग हैं मतलब उनके साथ हैं जहाँ वो चलेंगे। लगभग देखो आजकल नौजवानों की ज्यादा मानी जाती है और नौजवान ही आगे मिलते हैं राजनीति में, तो आप किसको देखते हैं सबसे आगे? वैसे आपके दिल की अगर पूछी जाए आपके मन की जानी जाए तो आप किसको पसंद करेंगे? भाई जहाँ हमारे मतलब बूढ़े बड़े चलेंगे हम तो उनके पीछे हैं भाई। मतलब अपना कुछ नहीं है, जो बुजुर्ग कहेंगे वो आप मान लेंगे। फिर भी पार्टी की अगर बात करें तो किस पार्टी को ज्यादातर गाँव में समर्थन मिलता है? लाल बीजेपी। लाल बीजेपी हाँ बीजेपी। कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता इतना ज़्यादा? कांग्रेस पार्टी ने मतलब कुछ विकास ही नहीं किया है प्रेजेंट टाइम। मतलब कोई आप देख रहे हो मतलब रास्ते में कीचड़ का तो मतलब बहुत दिक्कत आती है, कुछ नहीं किया है।